इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। ब्लाउज मैंने कट कर लिया है, ये ब्लाउज है और देखिए ये इसका अस्तर है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट अस्तर पे कर लेंगे और उसके बाद ब्लाउज पे। ब्लाउज का साइज बता देती हूँ, देखिए 14.5 इंच इसकी लंबाई ली है और ये हमारा 34 साइज का ब्लाउज है, 10.5 इंच है और तैयार करेंगे तो 8.5 इंच आएगा, 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है। मुड्डे 5.5 इंच, शोल्डर 5 इंच और अभी हम नेक ड्रॉ करेंगे। देखिए शोल्डर से 2 इंच ले रहे हैं, ये विदाउट डोरी बना रही हूँ और देखिए इसकी जो लंबाई है 10.5 इंच ली है, आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं, इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ से सेप देते हैं तो देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड शेप आएगा, सेम कर लिया है। इसमें नेक पट्टी कैनवास कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, अभी आपको सिलने का तरीका बताते हैं। देखिए नीचे सीधा ब्लाउज रख लिया है, उसके ऊपर अस्तर रख लिया है और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर देंगे, जो ये नेक है इसको कट कर देंगे, इसको पलट के फिनिशिंग देंगे और उसके बाद जो डिज़ाइन देनी है उसके बारे में बताती हूँ। देखिए डिज़ाइन देने के लिए मैंने एक डोरी बनाई है, ये मैंने 1 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था स्ट्रेट और उसको स्टिच करके पलट दिया है, तो इस तरह की ये डोरी हमारी तैयार हो गई है। इस डोरी से हम इसमें ब्लाउज में डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए जैसे बताया था मैंने इसको स्टिच कर लिया है और नेक को कट कर दिया है, अभी इसको पलट के इसके चारों तरफ से इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। नीचे भी इसकी फिनिशिंग दे दी जैसे नॉर्मल देते हैं। जो हमने ये लेस ली थी तो एक लेस हम यहाँ पे किनारे पे स्टिच कर देते हैं पहले, उसके बाद फिर दूसरा लगाएंगे। लेस को मैंने स्टिच कर दिया है, जैसे हमने ये डोरी बनाई थी, जैसे मैंने बताया 1 इंच चौड़ी पट्टी लेके मैंने स्ट्रेट ली थी और उसको पलट दिया है, तो ये डोरी को हम यहाँ पे शोल्डर पे स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो डिज़ाइन आएगी, इस डोरी को हम इस तरह से घुमाते हुए जाएंगे यहाँ पे और इसके बीचों बीच एक मोती आएगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक लेस और लगा लेते हैं, फिर उसके अंदर इस डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से नेक से लेके 1 इंच का पूरा गैप देना है लेस को लगाने में, तो जो ये इतना हमारा सेंटर में जो गैप रहेगा ये 1/2 इंच के आसपास रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमारी ये लेस आ चुकी है, तो यहाँ पे 1/2 इंच के गैप में ही हमारी वो डिज़ाइन तैयार होगी। तो स्टिच करते हैं लेस को। तो देखिए मैंने ये सेकंड लाइन जो लेस है ये स्टिच कर दिया, जैसे मैंने बताया भी हम इस डोरी को तैयार करते हैं यहाँ पर, तो किधर से भी एक साइड से आप इसको स्टिच कर लें। तो ये क्रॉस में डोरी को इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया है और नेडल में 4 फोल्डिंग का धागा ले लिया है, तो पहले हम यहाँ से इसको इस तरह से निकाल देते हैं, एक बार यहाँ पे भी तैयार कर लेते हैं इसको। तो देखिए इस तरह से ये गांठ आ जाएगी, अब इस धागे को पीछे की तरफ निकालेंगे, पीछे के बाद इसको हम यहाँ पे बीचों बीच निकालते हैं। और देखिए मैंने एक मोती लिया है, ये बीच का मोती है, ना बड़ा है ना छोटा है, मीडियम साइज है। इस मोती को यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच कर देंगे, इसमें 2-3 टांके लगा दें, क्योंकि ये वैसे भी हमने 4 फोल्डिंग का धागा लिया है, तो 2 बार भी टांका लगाएंगे आप तो अच्छे से सेट हो जाएगा मोती। तो देखिए मोती भी सेट हो गया, अभी हम यहाँ से मोती को इस तरह से रखते हुए इस डिज़ाइन को यहाँ पर डोरी को इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर देंगे, और इतना जितना हमारा मोती बाहर देखे सिर्फ इतना ही आपको इसी तरह से इसको सेट करना है, और फिर से जो धागा लिया है हमने सेम धागे को तोड़ना नहीं है और इसको यहाँ पर स्टिच कर देना है। तो मोती हमारा इस डिज़ाइन में कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे भी इसी तरह से पहले टाइट कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लूज है तो इसको भी इस तरह से हम टांका लगा के इसको सेट कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये एकदम तैयार हो चुका है, अब फिर से हम यहाँ पर डोरी को इस तरह से घुमा देंगे,
घुमाने से पहले सेम मोती लगाएंगे। और फिर से हम इस डोरी को यहाँ पे इस तरह से मोती को बाहर निकालते हुए इस तरह से सेट कर लें और डिज़ाइन को यहाँ पे इस तरह से, और फिर टांका लगा के इसको सेट कर देंगे। इस तरह से भी टांका लगा सकते हैं और चाहें तो पूरा नीचे से भी, जितना आपको टाइट रखना है। और ये मोती को इसी तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे। इसी तरह से मैं ये सारी डिज़ाइनें तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये मोती जो है मैंने पूरे नेक में स्टिच करनी है, और देखिए एक लेस मैंने गोल्डन करके कमर में लगा दी है। तो आप देख रहे हैं कि मोती और लेस से हमारा ये ब्लाउज डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए मैंने ये फ्लावर बनाया है, ये फ्लावर कैसे बनाया इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वो वीडियो भी देख लें और इस तरीके का फ्लावर बना सकते हैं। तो देखिए इस फ्लावर को हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे ब्लाउज का कितना अच्छा लुक आ रहा है। प्लेन ब्लाउज है लेकिन ये डिज़ाइन से काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक मटेरियल बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।